सीएम भी एनआरसी के खिलाफ में देश के अलग अलग कोने में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं नागपुर में भी शीत सत्र का मौका देख भारतीय मुस्लिम परिषद और जमाते इस्लामी हिंद जैसे संगठन ने साथ साथ सीएपी का विरोध किया। इस दौरान सरकार की ओर से विजय वटेटीवार ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और यह बिल राज्य में लागू नहीं होगा ऐसा विश्वास भी दिलाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार साहब हमारे साथ में इस समय में मौजूद है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज आप इन मोर्चों को जो आगे में गए हैं, उनकी क्या प्रमुख मांग थी? नहीं, उनके 5% मुस्लिम आरक्षण की मांग थी जी। उसी के साथ कैब कानून को रद्द करने की मांग थी। हम महाराष्ट्र के लेवल पे पहले ही कह चुके हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस बारे में उचित निर्णय नहीं लेगा तब तक हम लोग इस कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने बात की है। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इनकी बात ली जाएगी? निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हर धर्म की हर जात की किसी भी आदमी के भावनाओं को ठेच न पहुँचे, कोई भी आदमी को दुख उसके अधिकार को कुछ अधिकार छिना न जाए, ये बात हमने रखी है और वही बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसी को लेकर इस राज्य में हर जात हर धर्म को लेकर किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी के भावना को ठेच ना पहुंचे, यही कार्यक्रम लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सर, आज सदन में जिस प्रकार से कार्यवाही के विरोधी लोग जो थे वो सुनने के तैयार भी नहीं थे, सदन छोड़ के बाहर आके नारे दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपका आप लोगों का खच्चीकरण कर रहे थे या आपको झूठा ठहरा रहे थे? नहीं नहीं, वो तो 5 साल कुछ किया नहीं, अब कहने के लिए कुछ है नहीं, तो बवाल करो चिल्लाओ, अभी यही काम उनके पास में बचा है। 5 साल अगर कुछ करते, किसानों का काम करते, किसानों की कर्जा मुक्ति करते, किसानों को मदद करते, तो 5 साल में ये मुसीबत उनको नहीं आती। अब ये वो कोई ये सब जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ 5 साल भाजपा ने किया नहीं, अब वो नौटंकी कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यानी विरोधी पक्ष नेता ये नौटंकी कर रही है ऐसा उनका मानना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर में मुस्लिम लोगों की जो मांगे उनको भी लिया जाएगा, उनका विचार सरकार करेंगी, ऐसे इस समय में वक्त तो विजय वडेट्टीवार इन्होंने किया है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।